दोस्तों आपने ट्विटर का नाम तो सुना होगा और यूज भी किया होगा, जो एक सोशल साइट है। हाल ही में ट्विटर के नए सीईओ पराग अग्रवाल बने हैं, जो इंडिया से हैं। ये 10 साल से लगभग ट्विटर के साथ जुड़े हुए हैं। आखिर कैसे अजमेर की गलियों से निकलकर ट्विटर के सीईओ बने, कैसे मेहनत की और उस मुकाम को हासिल किया जो ज्यादातर लोगों का सपना होता है। दोस्तों इस वीडियो में आज हम आपको ट्विटर के नए सीईओ पराग अग्रवाल की लाइफ से जुड़ी बातें और उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको पराग अग्रवाल पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्राग का पूरा नाम प्राग अग्रवाल है और निकनेम प्राग है। प्राग का जन्म 21 मई 1984 को अजमेर में हुआ और 2021 के हिसाब से 37 साल के हैं। दोस्तों प्राग पैदा तो अजमेर में हुए थे, लेकिन इनकी पूरी फैमिली मुंबई में शिफ्ट हो गई थी। और प्राग के पिता एटॉमिक एनर्जी सेक्टर में काम करते थे और उनकी माँ एक स्कूल टीचर थी। प्राग ने स्कूलिंग मुंबई के स्कूल एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल से की। और मैं आपको बता दूं, बॉलीवुड की फेमस सिंगर श्रेया घोषाल इनकी क्लासमेट थी। और दोस्तों प्राग 2001 के इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडल भी रह चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, प्राग ने 2000 में ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम यानी जेईई का एग्जाम दिया था और इनकी रैंक 77 आई थी, जिसके बाद इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लिया और वहां से प्राग ने कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री हासिल करी। फिर प्राग ने हायर एजुकेशन यानी पीएचडी करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए और 2005 में यूएसए में शिफ्ट हो गए। और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद प्राग ने कई बड़ी कंपनियों जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट और याहू के साथ काम किया। और 2011 में प्राग अग्रवाल ट्विटर के साथ जुड़े। शुरुआत में प्राग ने ट्विटर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम किया, लेकिन साल 2017 में अचानक से ट्विटर सीटीओ यानी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद इस पद को संभालने के लिए प्राग अग्रवाल को अपॉइंट किया गया। और उस दौरान ट्विटर के सीईओ जैक डोर्से थे, जिन्होंने प्राग को प्रोजेक्ट ब्लू स्काई लीड करने को कहा, जो प्राग ने पूरी जिम्मेदारी के साथ लीड भी किया। और हाल ही में 29 नवंबर 2021 को जैक डोर्से ने सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद प्राग को ट्विटर का नया सीईओ बना दिया गया, जो कि हम सबके लिए प्राउड की बात है, क्योंकि दोस्तों प्राग अग्रवाल इंडिया से हैं जो ट्विटर के सीईओ बने हैं। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं इनके अलावा और कौन किस कंपनी के सीईओ हैं जो इंडिया से हैं। चलिए मिलवाते हैं आपको प्राग अग्रवाल की फैमिली से। तो इनके पिता का नाम है राम गोपाल अग्रवाल और इनकी माँ का नाम है शशि। दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्राग अग्रवाल मैरिड है, इनकी वाइफ का नाम है विनीता अग्रवाल और इनका एक बेटा भी है जिनका नाम है अंश। अब बात करते हैं प्राग अग्रवाल के हाउस के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्राग सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए के एक सुंदर से घर में रहते हैं, जैसा कि इन पिक्चरों में आप इनका घर देख सकते हैं। बात करें प्राग अग्रवाल के कार कलेक्शन की, तो दोस्तों प्राग के कार के बारे में इंटरनेट पर ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि प्राग ने कुछ साल पहले एक ऑडी और एक मर्सिडीज की कार खरीदी थी। वहीं बात करें प्राग अग्रवाल के इनकम की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ट्विटर से इनकी सालाना सैलरी $1 मिलियन है, जो इंडियन करेंसी में लगभग 7,50,00,000 रुपए होते हैं। और सैलरी के अलावा प्राग को $12.5 मिलियन यानी के 93 करोड़ रुपए के आसपास स्टॉक यूनिट भी मिलेंगे। स्टॉक का ये पैसा प्राग अग्रवाल को 16 क्वार्टरली इंक्रीमेंट में मिलेंगे और साथ ही साथ ये कंपनी के बोनस प्लान का हिस्सा भी होंगे और टारगेट बोनस से उन्हें उनकी सैलरी का 150% मिलेगा। अब बात करते हैं प्राग अग्रवाल के नेटवर्थ के बारे में। तो दोस्तों इनका नेटवर्थ फिलहाल $2 मिलियन है, जो इंडियन करेंसी में लगभग होते हैं 15 करोड़ रुपए। लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में इनके नेटवर्थ में काफी इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी प्राग अग्रवाल की लाइफ स्टाइल वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और ये भी कमेंट करके जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो के सेलिब्रिटी के बारे में चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो कर देना लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।